Students, how are you all? Hope you all will be fine. Once again, I am here in your English class. Kulsoom Iftikhar is here. Today's topic is figures of speech. Students, figures of speech are very much different from parts of speech. बच्चों ये जो अब आप parts of speech करते थे, ये आपके parts of speech से figures of speech different है. As के parts of speech जो हैं वो एक sentence को different portions में हम जब divide करते हैं, according to their place, exact place जो हमने हर पार्ट को पार्ट के सेंटेंस को दी हुई है उसके अकॉर्डिंग जब हम प्लेस करते हैं दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड दिस फिगर ऑफ स्पीच इज डिफरेंट एज इट इज टोटली रिलेटेड टू लिटरेचर. ठीक. और जैसे कि हमने अब करनी है पोइम और द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. ठीक. इट इज ऑन योर पेज नंबर 94. तो बिफोर स्टार्टिंग आर पोइम सेक्शन पोइट्री सेक्शन मैं चाह रही थी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिगर्स ऑफ स्पीच आपको एक्सप्लेन कर दूँ. मेरे बहुत से ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं और उनकी भी रिक्वेस्ट थी यही कि मैम आप फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन कर दें. जब मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको एडवर्ब का दिया था तो मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने यही कहा कि आप फिगर ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करें. सो बच्चों आपकी रिक्वेस्ट पे मैं आज इस लेक्चर को जो बेसिक इसके पॉइंट्स हैं, वैसे तो कोई ये 15-16 ऑलमोस्ट हमारे फिगर ऑफ स्पीच पूरे इंग्लिश लिटरेचर में जो कि हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेचर को एक्सप्लेन करते हैं तो ये बनते हैं. बट आई एम बेसिकली मेरी कंसर्न जो है वो आज टोटली इन फाइव और दो और मैं छोटे मोटे बहुत ही उनको एक्सप्लेन करूँगी रफली और जस्ट हैविंग अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ देम नॉट इन डिटेल्ड. अब आप ये क्वेश्चन आपके जहन में लाजमी आएगा, दिस क्वेश्चन मस्ट बी अराइजिंग इन योर माइंड दैट के फिगर ऑफ स्पीच होते क्या हैं और हम इनको क्यों यूज़ करते हैं. वाई द बेसिक कंसर्न इज के वाई हम क्यों यूज़ करते हैं इनको. ठीक है. देखो बच्चों आप किसी भी बात को करने का टू एलैबोरेट योर पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट मेथड यूज़ करते हो. सिंपली भी आप बात को कर सकते हैं, सिंपलीफाइड तरीके से भी और एलैबोरेट करके भी एंड विद यूज बाय यूजिंग फ्लावरी लैंग्वेज फ्लावरी टर्म्स. ठीक है. अब अपनी आपने अपनी बात को कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे आपने उसको एक्सप्रेस करना है, हाउ टू एक्सप्रेस, ये हाउ टू एक्सप्रेस जो है इसके लिए हम यूज़ करते हैं फिगर ऑफ स्पीच. बड़ा आपने डेकोरेटिव अपनी बात को कह के मनवाना होता है. आपको पता है कि फॉर्मल तरीके और हैं, इनफॉर्मल वे और है बात को एक्सप्लेन करने का. और जो पोइट्स और राइटर्स हैं, वेल नोन राइटर्स हैं, दे ऑल यूज दिस टाइप ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच टू डेकोरेट देयर अटरेंसेस देयर डायलॉग्स देयर वर्सेस अपनी पोइट्री को कि हमारे ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट, रीडर के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है. मैं ज़रा थोड़ा उर्दू में ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ साथ डिफ़िकल्ट इंग्लिश के वर्ड्स को भी, सो दैट कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू लर्न इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. वैसे भी फिगर ऑफ स्पीच जो है बच्चों ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम 9th एंड 10th लेवल एंड इवन इन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड देन ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स इंग्लिश में जब बच्चे करते हैं उन सब का एक ही कंसर्न होता है कि फिगर ऑफ स्पीच पे आके बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है. सो मैंने बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट समझा कि आई मस्ट एक्सप्लेन इट फर्स्ट एंड देन वी शुड मूव ऑन टूवर्ड्स आर पोइट्री सेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम कोई लिटरेचर से रिलेटेड आप वर्ड्स या जिसको आप कहते हैं कि लिटरेरी आर्ट ऑफ पीस ऑफ पढ़ते हो तो आप उसका मेन आइडिया पे जाते हैं सबसे पहले कि उसका सेंट्रल आइडिया या मेन आइडिया उसका क्या है. बच्चों ये बात जहन में रखनी है आपने, यू हैव टू कीप इन माइंड वन थिंग दैट मेन आइडिया और सेंट्रल आइडिया क्या है, व्हाट इज़ इट, इसका बेसिक एम क्या है, हु और व्हाट इज़ द स्टोरी और पोएम और एसे अबाउट. अभी आपने बच्चों जो पढ़ा था लास्ट यूनिट जो हमने यूनिट नंबर 17 पढ़ा दैट व्हाट यू डू इज़ व्हाट यू आर, उसमें भी हमने यही चीज़ कंसर्न की. सबसे पहला पॉइंट जो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया था दैट वाज रिलेटेड टू द मेन आइडिया और सेंट्रल आइडिया और मेन थीम ऑफ दैट एसे रिलेटेड टू निकी मैकवर्टर, कि उसने हमें क्या बताने की कोशिश की, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, हु के किस बेसिक करेक्टर के बारे में राइटर और पोएट वांट्स टू से, कि उसने लिखा क्यों है, किसके लिए, किसके किस शख्स के लिए, मेन ऑब्जेक्ट क्या है. सेकंड व्हाट, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट,
व्हाट मींस के उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. सेकेंडली व्हाट आल्सो शोज के रीजन बिहाइंड राइटिंग सच अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट. क्या क्यों लिखा राइटर ने, क्यों पोएट वांट्स टू हमें क्या कहना चाहता है, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, ये सब बताने के लिए. तो ये फॉर एग्जांपल शेक्सपियर, आप सेकंड ईयर में तो आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस है, और यहाँ पर हम पोएम जो हमने अभी पढ़नी है दैट इज़ अबाउट द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एंड रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, राइट. तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है एवरी राइटर और पोएट दैट यू कैन से रिप्रेजेंट हिज और हर एज. हर राइटर अपनी एज को रिप्रेजेंट करता है. तो वहीं से जब हम उसकी एज से मुतालिक थोड़ा सा पढ़ते हैं तो हमें व्हाट का आंसर पता चल जाता है. सेकंड इज व्हाट इज द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू. ऑथर और राइटर और पोएट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. ही माइट बी, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या है, इसमें सारे आपके फिगर ऑफ स्पीच जो है ना वो इसमें आ जाते हैं कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू में वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को शो करता है. या तो वो आयरॉनिक होता है, हिस्टोरिकल होता है, ह्यूमरियस होता है, या कुछ वो सिमिली यूज करता है, मेटाफर यूज करता है, पर्सोनिफिकेशन यूज करता है. फॉर एग्जाम्पल ही माइट बी कि इमेजरी यूज कर रहा होगा, ऑक्सीमोरॉन यूज कर रहा होगा, और हिस्टोरिकल होगा या पैराडॉक्स यूज कर रहा होगा. उसका स्टाइल और उसका तरीका अंदाज प्लेसिड होगा. ये ऑल जो है ना इसके मुख्तलिफ तरीके हैं बात को कन्वे करने के. अभी मेरी नज़र से एक पेपर गुजरा NTS का था, NP टेस्ट का. उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया था बच्चों से दैट के प्रिटी अगली, प्रिटी अगली. अब देखो प्रिटी भी है, अगली भी है. ये मैंने यहाँ पर बच्चों आपके लिए हाईलाइट करके लिखा है दिस प्रिटी अगली, कि दैट इज़ प्रिटी एंड अगली. बहुत चीज़ें देखो ऑपोजिट है ना, प्रिटी भी है, अगली भी है, हाउ पॉसिबल. तो ये उसमें उन्होंने चॉइसेस दे दिए थे कि एक लिख दिया था ऑक्सीमोरॉन है, सेकंड उन्होंने बता दिया था कि इज इट सिमिली, और थर्ड में उन्होंने दे दिया था कि इज इट मेटाफर. तो मैं इसके एग्जैक्ट आंसर पे जो आ गई थी, मोस्टली बच्चों ने इसको मेटाफर कर दिया था प्रिटी अगली, बट इट वॉज एक्चुअली ऑक्सीमोरॉन. मैं भी इट वॉज ऑक्सीमोरॉन दैट प्रिटी अगली. नाउ इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी साथ ही. नाउ कम फर्स्ट टुवर्ड्स सिमिली. सिमिली बच्चों इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट के जिसमें टू डिसिमिलर थिंग्स को हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन के साथ यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिमिली. और वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन जब हम करते हैं तो हम कौन से वर्ड यूज कर रहे होते हैं, एस और लाइक. फॉर एग्जाम्पल आपने जब 9th क्लास में थे और 10th क्लास में थे तो आपने पोइम पढ़ी होगी डैफोडिल्स. डैफोडिल्स में पोएट ने आपको एज और लाइक, फॉर एग्जांपल डैफोडिल्स को उसने रिप्रेजेंट किया स्टार्स के साथ और उसने एज का वर्ड यूज़ किया, ही इज़ एज ब्यूटीफुल. और द डैफोडिल्स दे आर स्प्रेड एज और लाइक द स्टार्स, के स्टार्स की तरह से वो वहां पर बिखरे हुए हैं, दे हैव स्प्रेड हेयर एंड देयर. तो ये एज और लाइक के साथ जब हम अपनी बात को कन्वे करते हैं तो वो कहलाता है बच्चों दैट इज कॉल्ड आपका क्या कहलाएगा, सिमिली. फॉर एग्जाम्पल शी इज एज ब्यूटिफुल एज अ रोज, ही इज एज हार्ड वर्किंग एज एन ऑक्स. अब डेफिनेटली वो ऑक्स तो नहीं हो सकता, लेकिन उसके हार्ड वर्क को हमने एज यूज करके और लाइक यूज करके हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया है, सो इट विल बिकम अ सिमिली. सेकेंडली हमारा अगला पॉइंट है इसमें मेटाफर. मेटाफर जो है दैट इज टू डिसिमिलर थिंग्स लेकिन बाय यूजिंग डायरेक्ट कंपैरिजन. डायरेक्ट कंपैरिजन हमने करना है किस तरह से, टू अपोजिट चीजों को हमने डायरेक्ट कंपैरिजन के साथ एक्सप्लेन करना है, दैट विल बी कॉल्ड मेटाफर. फॉर एग्जाम्पल आप एक सेंटेंस में यहाँ पे लिख रही हूँ कि ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, इज इट क्लियर. सेकेंडली मैं लिख रही हूँ ही इज अ लायन. थर्ड एक सेंटेंस में लिख रही हूँ कि
fought like a lion. So students, ये three different patterns हैं बात को convey करने के, अपनी बात को explain करने के. और कौन सा ज़्यादा impressive है? Definitely, he fought like a lion. It is also impressive. He is as brave as a lion. Here हमने as use कर दिया, यहाँ हमने like use कर दिया. और here this one में जो in between लिखा हुआ है, he is a lion. ये हमने direct उसको comparison दे दिया lion के साथ कि भाई वो lion है, शेर है. For example, Tipu Sultan was a lion in the field, in the battlefield, not in the field, in the battlefield. तो ये बात को convey करने के different तीन तरीके हैं हमारे. एज यूज कर लें, लाइक यूज कर लो, और या आप उसको डायरेक्ट कंपैरिजन के साथ एक्सप्लेन कर दो. शी इज एज बिजी एज अ हनी बी. वो इतनी ही मसरूफ खातून है कि वो हनी बी की तरह हर वक्त मसरूफ रहती है. अब हनी बी की तरह उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया कि शी इज एज बिजी एज अ हनी बी. हनी बी की क्वालिटी है ना कि काम में बिजी, बिजी एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम हद तक जो बिजी बंदा होगा उसको हम हनी बी से रिजेम्बलेंस दे देंगे, तशबी दे देंगे. उर्दू में बच्चों, उर्दू में तो इसको आप इस्तारा और तशबी जैसे नाम दे देते हो, सिमिली और मेटाफर के. बात यह है कि हमने बात को कितना इफेक्टिवली नेक्स्ट बंदे तक पहुंचाना है. और राइटर जो है, राइटर आपको पता है जब आप उसकी रीड कोई भी पीस ऑफ आर्ट पढ़ते हैं, पोइट का, राइटर का, शेक्सपियर क्यों बहुत ज़्यादा मशहूर है? Why he uses off and on all these figure of speech? हमें बताया नहीं जाता कि ये figure of speech use की हुई है. या writer William Wordsworth आपको ये बताएंगे कि जी मैं as और like use करके simile use कर रहा हूँ, या मैं direct comparison दे रहा हूँ, या मैं personification use करने लगा हूँ. No, not at all. Poet knowingly और unknowingly वो use ही ऐसे figure of speech करता है कि उसके जो पढ़ने वाले students हैं, readers हैं, या पढ़ने वाले अदीब को पढ़ने वाले, किसी भी लिटरेरी पीस ऑफ आर्ट को पढ़ने वालों के दिलों पर, हार्ट्स पर, माइंड पर वो कितनी चीज़ इफेक्ट करती है. दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ राइटर बिहाइंड यूजिंग दीज ऑल फिगर ऑफ स्पीच, जो आज मेरे टॉपिक आपके साथ कंसर्न है. अब जरा नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन की एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी. फॉर एग्जाम्पल, नाउ डेज इट इज ऑटम सीजन और विंटर सीजन. यस, ऑलमोस्ट ऑटम हैज एंडेड एंड विंटर के हम फेज में एंटर हो गए हैं. आप कहते हैं कि यू आर वॉकिंग ऑन अ रोड एंड देर आर द लीव्स, ड्राई लीव्स. ड्राई लीव्स होते हैं ना, सड़क पर पड़े होते हैं, ड्राई लीव्स. एंड यू टेल समबडी एल्स दैट देर वॉज अ रस्लिंग ऑफ, रस्लिंग ऑफ लीव्स. साउंड है ना, आप आवाज जब पाँव कदम रखते हैं, यू जस्ट पुट योर स्टेप ऑन द लीव्स, तो वो रस्लिंग साउंड जो है वो क्रिएट होती है. तो रस्लिंग साउंड क्या है? लीव्स तो साउंड क्रिएट नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, बाहर हवा चल रही है एंड यू आर सेइंग दैट द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर डांसिंग. सो वो डांसिंग इफेक्ट क्या है, एलिमेंट क्या है? यू से दैट के द कैंडल फ्लेम डांस्ड, द मूवमेंट ऑफ द कैंडल फ्लेम, द स्लीपिंग टाउन. व्हाट इज स्लीपिंग टाउन? स्लीपिंग टाउन, टाउन पूरा सो रहा होगा? नो, नॉट एट ऑल. भाई हमने उसको पर्सोनिफाई किया है. पर्सोनिफाई मीन हमने उसकी, उसकी शख्सी, एक पर्सन की क्वालिटीज इन एनिमेट जो है ना एट्रीब्यूट किया है टू ह्यूमन क्वालिटीज. दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. होप सो समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको. टू गिव ह्यूमन क्वालिटी, हमने ह्यूमन क्वालिटीज देनी है. एट्रीब्यूट ह्यूमन क्वालिटीज, यानी कि हमने इशारा पॉइंट आउट करना है, उनको रिजेंबल करना है ह्यूमन क्वालिटीज के साथ. एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिया सो दैट कि आप हमारा टाइम सेव रहे, और हम कम टाइम में, इन लेस टाइम वी शुड बी एबल टू परफॉर्म बेटर, कि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को इसको एक्सप्लेन कर सकें, आपको समझा सकें. द कैंडल फ्लेम डांस्ड, यहाँ पर कैंडल फ्लेम की डांसिंग मूवमेंट जो है
दैट इज पर्सोनिफिकेशन. यहाँ पोएट ने क्या यूज किया है? पर्सोनिफिकेशन. द स्टार्स मूव प्लेइंग हाइड एंड सीक. हाउ स्टार्स हाइड एंड सीक थोड़ी करेंगे, बादलों में, क्लाउड्स में स्टार्स हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक, यू नो कि हाइड एंड सीक इज अ गेम, छुपन छुपाई जिसको आप कहते हो, ठीक है, ये हाइड एंड सीक की गेम है. लेकिन स्टार्स कैसे इसको कर सकते हैं भाई? नो, इट मीन्स के पोएट हैज यूज्ड हियर हाइड एंड सीक को पर्सोनिफाई स्टार्स के साथ किया है. ड्रिंकिंग लीव्स, अभी एक पोइम है कि आई हियर द ड्रिंकिंग लीव्स. ये पोएट डब्ल्यू एच डेविस की फर्स्ट पोइम है रेन, उसकी पोइम का फर्स्ट लाइन है I hear the drinking leaves. तो पोएट कैसे सुन सकता है कि पौधे यानी कि पत्ते कैसे पानी पी सकते हैं? तो ये बज़ाहिर apparently it looks impossible कि पत्तों को हम कह दें कि वो पानी पी रहे हैं, नो, बट ये हमने यहाँ पे personify किया उनको, we have used personification. Then nature wept. Nature wept. Even there was the cat was the, आप कह सकते हो it was raining cats and dogs. So nature wept. I felt that the nature wept. मतलब इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी कि nature wept. Nature even cried. या ये भी कह सकते हैं कि there was a tragic incident. Even the nature wept. आपने उसको height को explain करने के लिए उस incident की ट्रेजिक हाइट को एक्सप्लेन करने के लिए आपने यूज कर दिया नेचर वेप्ट. या पोएट कैसे, राइटर कैसे यूज करते हैं ये डिपेंड करता है. विंड विस्पर्ड, एक अगेन एक और पोइम है विंड से रिलेटेड, उसमें इवन द विंड विस्पर्ड टू मी. और उसी पोइम में विंड से रिलेटेड जो उसका बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है वो पीस पोइम का नाम है. मैं आपको रेफरेंस भी दे रही हूँ साथ, वो पोइम पढ़िएगा पीस, गूगल पे लिख दीजिएगा पीस एंड यू विल कम टू नो कि हाउ मच पर्सोनिफिकेशन, एट विच लेवल पर्सोनिफिकेशन जो है वो यूज की गई है इस पोइम में. विंड विस्पर्ड, विंड विस्पर तो नहीं कर रही ना, बट विंड की विस्परिंग कैसे, कि विंड गुजर रही है, आप गुजर रहे हैं और आप उसकी आवाज़ को सुन सकें. अब एक बहुत वेल नोन राइटर है, उसकी मुझे कोटेशन यहाँ पर याद आ रही है के वट इज नॉलेज. नॉलेज इज टू हियर द अनहर्ड वॉइसिस ऑफ द नेचर. टू हियर द अनहर्ड वॉइसिस ऑफ द नेचर, तो क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल इवन द फ्लावर, फ्लावर जो है उसकी आवाज़, जब फूल कली से फूल बने उसकी वॉइस, विंड की विस्परिंग की आवाज़, द साउंड ऑफ विस्परिंग. आपकी ब्रुक, ब्रुक मीन नदी, ठीक है, ये जो आबशार है, ब्रुक है, वाटरफॉल है, रिवर है, उसकी जो डिफरेंट फ्रेशिंग साउंड्स हैं, दे ऑल हम उनको पर्सोनिफाई करते हैं विद द ह्यूमन बीइंग्स, राइट? नाउ कम टुवर्ड्स फोर्थ वन, दैट इज इमेजरी. इमेजरी एज द वेरी वर्ड इज डिपिक्टिंग टू अस दैट इमेजरी, इमेज से निकला है, यस, इसका रूट वर्ड इमेज से निकला है, ठीक है. और ये इमेजरी हमें क्या बता रहा है, व्हाट इज हमारे इमेज से इसका कंसर्न है? इमेज शोज क्या आप विजुलाइज कर रहे हैं, आपके इमेजिनेशन में जो कुछ आइडिया आ रहा है किसी चीज से रिलेटेड, आफ्टर रीडिंग इट देन यू विल कम टू नो कि विच टाइप ऑफ इमेजरी हैज बीन यूज्ड. पोएट्स जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजरी यूज करते हैं. फर्स्ट वन मैंने लिख दी विजुअल साइट. For example, the huge and the tall trees. The huge and the tall trees. तो आप जब पढ़ेंगे poem को या किसी line को art of peace या किसी essay या story में, तो आपका you will come to know कि huge and tall trees, उनकी hugeness and उनकी tallness को explain किया गया है visual के साथ. आप visualize कर लेते हैं, अपने जहन में idea guess कर सकते हैं. Then auditory. ऑडिटरी मीन्स साउंड से रिलेटेड. अगेन जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दी दैट वट इज ऑडिटरी, दैट के आपकी फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट से ऑडिटरी से आपकी रिलेट करती है विंड विस्पर. क्या आपने विंड की विस्परिंग को सुना? दैट इज ऑडिटरी.
Tactile. Tactile is related to touch. Helen Keller का essay है 3 days to see. और even Shakespeare ने और Merchant of Venice में भी use किया है. वो जो आपका सीन है जिसमें वो कह रहा है कि एंथनी एंड द मर्चेंट जो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि उसने एक एक इंच जो फ्लैश है गोश्त जो है उसका पाउंड के बदले में उसको देना है. तो वो आपका क्या है, आप टच करते हैं ना, आप उसको ऑडिटरी में नहीं लाते, आप कहाँ लाते हैं, आप उसको टेक्टाइल टच में लाते हैं. उसने भी मुख्तलिफ इमेजरी यूज़ किया, विजुअलाइज में लाते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस वाले सीन को. और जो आपका इस ये पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसमें भी आप टेक्टाइल यूज करते हैं. द रफ एंड द स्टोनी पाथ, ये टेक्टाइल की बेस्ट एग्जाम्पल है. बाय आप जब स्टेप रखते हैं जमीन पर अपना, तो आप उसकी स्टोन को, उसकी सख्ती को, स्टर्नेस को, आप उसके नुकीलेपन को आप फील कर सकते हैं. द रफ एंड द रग्ड पाथ, टूटा फूटा रास्ता, रग्ड पाथ. Okay, then the softness of the flower, the velvety texture of the flower. ये बहुत से poets ने ये लफ्ज यूज किया है, ये टर्म यूज किया है, velvety texture of the flower. यानी कि velvet का जो कपड़ा है उसकी जो बुनत है, उसकी जो बनावट है, that is very velvety mean बहुत नरम मुलायम soft. तो flower की भी softness को आप इस तरह touch करके feel कर सकते हो. Next is olfactory, that is related to smell. स्मेल, फॉर एग्जाम्पल आपने पोएट ने फ्लावर की स्मेल को एक्सप्लेन करना है. ग्रास की अपनी स्मेल है, द स्मेल ऑफ द ग्रास, द स्वीट्स, द स्वीट स्मेल, द सेंट, ये सब किससे रिलेट करेगा, ऑल्फैक्टरी से. देन गस्ट्रेटरी, दैट इज रिलेटेड टू टेस्ट. हाउ आप कैसे टेस्ट को इसको एक्सप्लेन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल द टेस्ट ऑफ द हनी, शहद का टेस्ट, यू विल से दैट इज गस्ट्रेटरी. द स्वीट वाटर, वाटर की स्वीटनेस को, फॉर एग्जाम्पल एक पोएट ने कहा कि आई ड्रैंक वाटर फ्रॉम द ब्रुक, दैट वॉज सो स्वीट. और आई टेस्टेड द वाटर ऑफ द स्वीट ब्रुक. अब पानी तो मीठा नहीं होता डेफिनेटली, जब तक उसमें शुगर ऐड ना करें, आप बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड ना करें, बट ये पोएट हैं, दे कैन इमेजिन एनीथिंग एंड उनके इमेजिनेशन पे तो आप किसी पे पाबंदी नहीं लगा सकते ना. सो ऑल्फैक्टरी वहाँ यूज हो गया टेस्ट. फॉर एग्जाम्पल द बिटरनेस, द बिटर टेस्ट ऑफ लाइफ. अब लाइफ का टेस्ट तो नहीं है, बिटर तल्ख टेस्ट, दैट इज सोर, यानी कि एज सोर एज लेमन, दैट इज रिलेटेड टू टेस्ट. गस्ट्रेटरी आप वो यूज करते हैं ना, एज ब्लैक एज कोल, यानी कोयले की तरह से काला, एज सोर एज लेमन, राइट, दैट इज रिलेटेड टू गस्ट्रेटरी. नाउ कम टूवर्ड्स नेक्स्ट वन, दैट इज ऑक्सीमोरॉन. डू यू रिमेंबर बच्चों, मैंने अभी आपको स्टार्ट में ही एक एग्जाम्पल बताई थी कि एक एंट्री टेस्ट में, एक टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज प्रिटी अगली, व्हाट इज प्रिटी अगली. सो दैट वॉज ऑक्सीमोरॉन. व्हाई ऑक्सीमोरॉन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन लिटरेरी एज फार एज फिगरेटिव स्पीचेज आर कंसर्न. इसमें ऑक्सीमोरॉन व्हेन टू ऑपोजिट वर्ड्स contradict to each other, when two opposite words that are contradict to each other, यानी कि दो एक दूसरे से अलग अलग मुख्तलिफ दो चीज़ों को हम यूज कर रहे हैं वर्ड्स को जो अपोजिट हैं, then it will be called oxymoron. What it will be called? Oxymoron. For example, मैंने एक example लिख दी, he was found missing. अब यहाँ पे found भी है और missing भी है. He was found missing. अब देखेंगे हमारे इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे जो कि found का मतलब उसे हमने खोया हुआ पाया, right? खोया हुआ भी पाया भी, clear? ये pun on words भी कहलाते हैं, यानी कि हम कहना कुछ चाह रहे हैं बट हमने कह कुछ दिया.
We want to say something else, but we have said something else. Apparently, कुछ meaning दे रहा है, but inside और the central जो idea है वो हमें कुछ समझ में आ रहा है. It depends on here. ये जो mind है ना हमारा, यहाँ पे ये depend करता है कि हमने यहाँ से क्या समझा, या poet ने हमें बताने की क्या कोशिश की, क्या उसने हमें explain करने की कोशिश की, और वो हम किस हद तक, to which extent और limit we have got understanding of that point of view, which the poet wants to express or depict or wants to tell us the basic or the main idea. देखो बच्चों, हर एज के मुख्तलिफ आइडियाज रहे हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स रहे हैं. हम नहीं कह सकते कि किस एज में क्या क्या प्रॉब्लम्स एक राइटर को, पोइट को एक्सप्लेन करने में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्रिटिकल होने में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक रहे होंगे. द पोइट्स और द राइटर्स दे माइट हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हाइल राइटिंग सम पीस ऑफ आर्ट दैट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी मार्वलस एट द मोमेंट. वेरी यू कैन से के हम उसको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझते हैं अभी उस पॉइंट को. लेकिन पोइट ने क्या, आपने गलिवर्स ट्रैवल पढ़ा होगा, गलिवर्स ट्रैवल का ये रेफरेंस देना चाहूँगी. उस गलिवर्स ट्रैवल एक वाहिद ओनली सिंगल बुक है, मुझे जहाँ तक अपने नॉलेज के हिसाब से पता है, जिसमें ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं सॉरी फिगर्स ऑफ स्पीच हैव बीन यूज्ड. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ जॉनाथन स्विफ्ट, कि उसने किस खूबसूरती से, एक तो उसके एज ये थी कि बहुत देवर इम्प्रिजेंड लाइक, एक तरह की लाइफ थी उनकी. वाई they won't be able, they were not permitted by the government to directly criticize or be satirical towards the governmental points or unke jo acts se deeds se government ke upar wo directly criticize nahi kar sakte the. to so unhone figure of speech ka apni language ko, apni story ko bahut hi khoobsurat beautifully express karke ab in figure of speech ka sahara lena padta tha. they have to use them एज अ माउथ ऑर्गन, के कहना कुछ चाह रहे हैं, दे वॉन्ट टू सी समथिंग एल्स, बट अपेरेंटली उन्होंने एक बहुत सिंपल सी स्टोरी को हमारे सामने एक्सप्लेन कर दिया, कि जिसको बच्चे भी पढ़ते हैं और अभी उस पर कार्टून मूवीज भी बनती हैं, बच्चे तो उसको नहीं समझ सकते कि बट द पॉइंट, बट द राइटर हैज अ बेसिक पॉइंट बिहाइंड द सीन, कि बिहाइंड द सीन वो क्या कहना चाह रहे हैं. इसी तरह विलियम वर्ड्सवर्थ को भी कहते हैं कि ही इज़ अ पोएट ऑफ नेचर, लेकिन पोएट ऑफ नेचर होने इतना आसान काम भी नहीं है. इट्स नॉट ईजी. वैन द पोएट, वैन द पीपल आर बिजी इन दिस एज, वैन द पीपल आर बिजी इन देयर सो कॉल्ड डिफरेंट मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ऑल द टाइम डूइंग बिजनेसिस ऑफ लाइफ, सो हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट वन कैन टेक और स्पेयर स्पेशल टाइम फॉर द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर एंड टू admire the beauty of the nature. Then oxymoron, इसी पे हम अभी discuss कर रहे थे. He was found missing. Then एक और word बहुत ज़्यादा हमारी literature में use हुआ है, that is natural acting. अब natural भी है और acting भी है, how possible? Natural is different है ना, आपको लग रहा है ना थोड़ा सा natural different है. नेचुरल तो वो है जो कुदरती है, नहीं कि एज इट इज. फॉर एग्जाम्पल हम जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, दैट इज नेचुरल, क्वाइट नेचुरल. बट एक्टिंग मतलब बहुत ही अपने आप को बना संवार के, डेकोरेट करके बयान करना. तो टू ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्ट्री पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर दिए गए हैं, नेचुरल एंड एक्टिंग. द थर्ड एग्जाम्पल आई हैव गिवन है ओरिजिनल कॉपी. अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं बच्चों जो हम अपनी डेली लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं. ओरिजिनल कॉपी, प्लीज़ ब्रिंग ओरिजिनल कॉपी ऑफ इट. ये बहुत से, ये सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ओरिजिनल भी और कॉपी भी. कॉपी तो उसकी इमिटेशन है ना, यानी कि नकल जिसको कहते हैं. तो फिर ओरिजिनल भी हो गया, कॉपी भी हो गया, भाई ये क्या है? नो, इट इज़ थोड़ा सा ये डिफरेंट है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन. नाउ एक और छोटी सी, एक और पॉइंट जो मैं एक्सप्रेस करना चाहूँगी यहाँ पे, दैट इज सटायर, आयरनी, जो कि आपके लिटरेरी टर्म है. वाई? बिकॉज कि उसके बाद मुझे अपना नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ शेयर करना होगा. वट इज सटायर?
अच्छा बच्चों, सटायर भी तंज है, आयरनी भी तंज है, ठीक है? मैं ये वर्ड उर्दू में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ. व्हाई? सटायर इज एक्चुअली टू पॉइंट आउट द वीकनेसेस ऑफ द सोसाइटी. सटायर इज एक्चुअली टू पॉइंट आउट द वीक पॉइंट्स, जो मनफी उसके नेगेटिव क्वालिटीज हैं किसी पीस ऑफ राइटिंग में या सीन में, किसी सिचुएशन में, उनको पॉइंट आउट करना, दैट इज कॉल्ड सटायर. एंड आयरनी, आयरनी इज के अपेरेंटली आपको सब अच्छा लग रहा है, ऑल गुड, बट आयरनी इज के एंड में कुछ एकदम से उसके ऑपोजिट हो जाए, दैट इज कॉल्ड आयरनी. दैट इज टोटली कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि अपोजिंग सीन से, अपोजिंग रियलिटी से आपका सामना हो जाए, जिसको आप उर्दू में कहते हैं किस्मत की सितम जरीफी. ये वर्ड मैंने बड़ा पर्टिकुलरली ढूंढ के लाई हूँ आपके लिए, आयरनी समझाने के लिए. ये लिटरेचर में बहुत ज्यादा यूज होता है, सटायर एंड आयरनी. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज गोइंग ऑन अ पिकनिक, बट द आयरोनिक सिचुएशन इज दैट ही मेट एन एक्सीडेंट. यानी कि वो तो अपनी तरफ से बड़ा अच्छे अच्छे जा रहा था, सब ठीक है कि रिपोर्ट जा रही थी, बट ही मेट एन एक्सीडेंट. एंड सटायर इज फॉर एग्जाम्पल वट इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी नाउ अडेज, हाउ डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स एक राइटर एक्सप्लेन करेगा, आपके सामने पॉइंट आउट करेगा, दैट विल बी सटायर. ये तंज होगा. मैंने आज आई हैव ट्राइड माई बेस्ट बच्चों के मैं ये इनको पाँच छः जो जितने भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं फिगर ऑफ स्पीच, इनको आपके सामने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मेरा जो लेक्चर है दैट विल बी रिलेटेड टू द पॉइंट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस बाय विलियम शेक्सपियर. कोशिश मेरी ये होगी कि उस लेक्चर में मैं इन फिगर ऑफ स्पीच को भी डिस्कस करूं, और आपकी हर पॉइंट में आपसे फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको जब तक इनकी नो हाउ नहीं होगी, हाउ इट विल बी पॉसिबल कि आप उनको आंसर दे सकें, उनको आप एक ऑथेंटिक वे में आप पॉइंट आउट कर सकें कि इज इट सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, और भी पैराडॉक्स है, आयरनी है, सटायर है. कुछ मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला लेक्चर में आपके साथ शेयर करूँगी. एंड देन हमने बच्चों कुछ एक दो जो पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं इन फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड, बस ये बात जहन में रखें एंड करने से पहले, मेरी बात ये जहन में बिठा लें कि फिगर ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच में काफ़ी फ़र्क होता है. पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि एक सेंटेंस के डिफरेंट उसके हमने पोर्शन कैसे कर दिए हैं. जैसे हमने एडवर्ब पढ़ा था, दैट वाज अ पार्ट ऑफ स्पीच, तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये हम ब्यूटीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए, डेकोरेटिव करने के लिए यूज़ करते हैं. एलिट्रेशन है, एजोनेंस है. एलिट्रेशन आपको पता है ना, आप बचपन से आप ये एक कोटेशन सुनते आ रहे हैं कि पपीता पक्का, मतलब वो वाली कोटेशन आपको याद आ गई होगी. देन चाचा ने चाची को चीनी की चम्मच से चांदनी चौक में चटनी चढ़ाई, दैट इज़ कि ये बच्चे बड़ा ट्विस्ट ऑफ टंग जो आप यूज़ करते हैं, ट्विस्टर, टंग ट्विस्टर्स इनको कहते हैं, दैट इज दे आर कॉल्ड एलिट्रेशन. ठीक है, इनको हमें कल मैंने डिटेल से डिस्कस करना है साथ में आपके नेक्स्ट लेक्चर में, और साथ ही एजोनेंस के जो कि आपके राइमिंग स्कीम क्या है, ये सब आपको बातें जब तक पता नहीं होंगी, आप पोएम का ना तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन सही तरह से लिख सकते हैं, और ना ही फेडरल बोर्ड के पेपर में जब आपसे क्वेश्चन राइज होगा कि विच लिटरेरी टर्म और फिगरेटिव लैंग्वेज हैज़ बीन यूज इन दिस पोएम और इन दिस एसे और स्टोरी, तो आप फिर कैसे बता सकोगे. होप इट विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू. ओके, अल्लाह हाफिज़.